सोलन के डिग्री कॉलेज में छात्र संगठन की एनएसयूआई इकाई ने नए छात्रों के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने पहाड़ी, पंजाबी, देशभक्ति के कई कार्यक्रम भी पेश किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे स्वयं भी छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी नई सोच रखती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवाओं को दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और साहसी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की एनएसयूआई इकाई से आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का लाभ भी उन्हें जरूर मिलेगा। देखिए, हम तो खुद छात्र राजनीति से निकले, एनएसयूआई से निकले, एनएसयूआई को मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। एनएसयूआई के जब छात्र मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे अनुरोध किया और अनुरोध करके ये कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। तो मेरा तो छात्रों को एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मन में आत्मविश्वास हो और जो जिस चीज़ की आपने प्राप्ति करनी है उसके लिए दृढ़ संकल्प होना जरूरी है, साहसी होना जरूरी है। निश्चित तौर पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। युवा पीढ़ी है, नई सोच की पीढ़ी है, युवा जोश है, नया सोच इस समाज में प्रचलित हुई है। निश्चित तौर पर हमारी जो युवा पीढ़ी है, एनएसयूआई के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, आने वाले समय में हमें लोकसभा चुनावों में युवा पीढ़ी का बहुत अधिक फायदा होगा।